लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया। हैप्पी फ्रेशर्स डे। अरे ये क्या यार, लिली दे रहे ताकि हमारी फ्रेंडशिप सिली ना हो जाए। ओह अच्छा अच्छा। वेलकम। हैप्पी फ्रेशर्स डे। शुक्रिया। ये फूल भी तुम्हारी तरह ही खूबसूरत है। हाय चंद्र। नहीं होगा, कहाँ जाएगा? याद कर रहा था। अरे बदमाश, मेरा पूरा नाम रोशन कुमार श्रीवास्तव है। मैं लड़कियों के जिस्म को अपनी चमक से रोशन करता हूँ। अबे तू क्या रोशन करेगा, तेरी शक्ल से ही इल्म हो जाता है कि तू खाक है। शुक्रिया यार, तुम्हारी मोहब्बत कहाँ तक पहुँची? पार्क में आके अटक गया है यार, कमरे में बुलाता हूँ पर वो आती नहीं है। पार्क में जरूर तुमने कुछ किया। कुछ नहीं करता, शायद इसीलिए वो नहीं आती। एक काम करो, आज शाम को उसे कोई रोमांटिक फिल्म दिखाओ, उसका बर्ताव बदल जाएगा। तभी इसका कुछ नहीं होगा। अरे यहाँ तुम्हारी कमी थी यार। अरे तुम लोग अलग क्यों खड़े हो यार? और रोशन अभी से ही बैंड बाजा लेकर खड़े हो गए हो। अरे कुछ खास है दोस्त, बताता हो। डियर सीनियर्स एंड जूनियर्स, आज है फ्रेशर्स डे। कॉलेज में आज का ये पहला दिन सबकी जिंदगी में अहम होता है। मतलब की बात कर मोहन। सीधे मुद्दे पर ये आ रहा हूँ, इस फ्रेशर्स डे को यादगार बनाने के लिए तुम लोगों को गाना चाहिए या डांस चाहिए? दोनों चाहिए मोहन। बाप रे, ये मोहन सीएल को देखकर मुझे ऊपर से नीचे तक कुछ कुछ होने लगता है। अच्छा, ये सीएल का मतलब क्या होता है? चलो मुझे शर्म आ रही है। मोहन, रात में तुम हॉस्टल में आने वाले थे? मदन के साथ फिल्म देखने गया था यार, बाद में उसके साथ उसके घर चला गया। रात में हम सब मदहोश हो गए थे यार। अरे मोहन फेंक रहा है, ये मदहोश होकर नहीं उल्टी करके पड़ा हुआ था। हाय मोहन। बाय महेश। हाय। हाय। क्लास में आ रही हो? चलो मिलते हैं। क्या चंद्रकला, महेश के साथ चक्कर चल रहा है क्या? एक लड़का और लड़की के साथ होने का मतलब सिर्फ मोहब्बत होगी और कुछ नहीं। Point. तुम्हारे दिमाग में इसके अलावा कुछ नहीं सोचता क्या? हम सिर्फ दोस्त हैं यार। अच्छा, अगर महेश के दिल में ऐसी कोई बात होती तो वो खुद ही कह देता ना, कुछ भी बोलता है। अरे ये थियरी का क्लास बहुत ही बोरिंग होता है यार, मालूम नहीं अब एक घंटे कैसे काटेंगे। बैठा नहीं जाता यार। अरे सुनो, क्या देख के भी अनदेखा कर रहे हो? तुम मुझसे बात मत करो। क्यों? तुम लोग जाओ, मैं अभी आता हूँ।
ओ जीनियस भाई, पिछले 3 साल से कोई ना मालूम शख्स मेरी जिम्मेदारी लेकर मेरी फीस भर रहा है ना? वो कौन है इसका पता लगाकर मुझे तुम बताने वाले थे, लेकिन तुमने अभी तक मेरा ये काम नहीं किया। माफ करना मोहन, मुझे अपनी नकली डिग्री का वास्ता है, मैं इस राज का पर्दाफाश करके ही दम लूंगा। अच्छा ये बताओ, उस रहम दिल का इल्म कर तुम करोगे क्या? जीनियस भाई, आजकल के जमाने में सगा भाई भी अपने भाई के काम नहीं आता है। और मुझसे कोई रिश्ता ना रखने वाला शख्स 3 साल से मेरी मदद कर रहा है, मैं उसे एक मर्तबा देखना चाहता हूँ। शाबाश मोहन, बजा फरमाया, पता लगा लूंगा। ठीक है जीनियस भाई, भूलिएगा मत। ओके मे आई कम इन? तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो? इसे डीटीएस बोलते हैं सर। डीटीएस माने डिजिटल थिएटर सिस्टम, यही समझ रहे हैं ना? ये हरगिज नहीं है। डीटीएस माने डेली टेलिंग स्टूडेंट्स, समझ सर। अच्छा लगा, खुल के बताने वाले तालिबे इल्म मुझे बेहद पसंद है। अच्छा ये बताओ सीएल का मतलब? और ये पहन के आते हैं उल्टी कमीज? इस अजीम काम को किसने अंजाम दिया? बड़े हिम्मत वाले हो तुम। आपने सोचा कि मैंने लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने नहीं लिखा ये बताने के लिए मैं खड़ा हो गया। तुम सिर्फ हिम्मत वाले नहीं, जिंदा दिल भी हो। सर तुमने नहीं लिखा यही बता रहे हैं ना? नहीं सर, फिर क्यों खड़े हो गए? इसने नहीं लिखा ये बताने के लिए खड़ा हो गया। सर तुम क्यों खड़े हो गए ये मुझे मालूम है, तुम दोनों ने नहीं लिखा यही बताने के लिए खड़े हो ना? इसने नहीं लिखा ये बताने के लिए खड़ा हुआ। टिकट पे डीटीएस तुम ही हो, तशरीफ रखो। अरे गोपी सर, पिछले इम्तिहान में तुमने काफी कमाल किया था ना? हाँ सर। उसके लिए तुम्हारे वालिद ने तुम्हें डांट नहीं लगाई? डांट लगाई थी सर। डांट लगाई? हाँ। बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। मगर इसमें जरा फर्क है सर, मुझे डांट नहीं पड़ी, हमको तालीम देने वाले आपको पड़ी। तुम सभी लोगों के नंबर बहुत कम आए, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? कम मार्क्स देने वाले आपको शर्म नहीं आई तो हमें शर्म क्यों आएगी? हकीकत बयां कर रहे हो, मेरी तालीम से तुम लोग ऊब गए हो, इसलिए हम किसी और मौजू पे मुबाहिसा करेंगे। कहाँ जा रहे हो? दूसरे मौजू पर मुबाहिसा करेंगे तो मैं यहाँ पर क्यों रुकूं? मुझे इजाजत दीजिए, आप मुबाहिसा करें। ये तो निहायत ही संजीदा तालीम इल्म है। तुम फिर से पर्सनल लोन के लिए अर्जी दे रहे हो? आपकी दी हुई तनख्वाह खत्म हो गई जनाब। इतनी जल्दी खत्म हो गई? मतलब गणेश चतुर्थी के वक्त मेरे मोहल्ले के लोगों ने मुझसे जबरदस्ती पैसे ले लिया जनाब। आपने मुझे बुलाया? बुलाने के लिए यही घंटी बजाई है, जाकर 2 कप चाय लेकर आओ। जनाब मेरे मोहल्ले वालों ने जीना हराम कर दिया है, चंदा देने के लिए कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ता है, अजीब जबरदस्ती है, समझ में नहीं आता इनका क्या करूं। वो लोग क्या आप में एक चीज करने की हिम्मत है? 2 लाख लोगों को इकट्ठा करके उन्हें खत्म कर दो। अरे बाप रे, ये तो वाकई जीनियस है। सही बात है जनाब, आप इसकी बात में गौर फरमाइए। अभी चाय बांट रही हो, उसके बाद पहले शादी फिर बंटवारा। ए, इसके साथ सब कुछ बांटने का हक तुझे नहीं है बे, मुझे है। अरे उधर देखो। क्या रे? मैं तेरे साथ बिस्तर बांटना चाहता हूँ और तू इसके साथ बैठकर चाय बांट रही है? इतनी आसानी से नहीं बख्शूंगा, सिर्फ 1 रात मेरे साथ गुजार ले, उसके बाद किसी के साथ कुछ भी बांट लेना। हे नरेश, ये दोनों आपस में मोहब्बत करते हैं, ये तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं, फिर क्यों इन्हें तंग कर रहा है? अरे तू नहीं तो कहा था कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? उसके बाद भी उसे पाने के लिए नरेश किराए के गुंडे लेके आए। क्या? चल मेरे साथ। हे नरेश, ये क्या जबरदस्ती है, मैं प्रिंसिपल से शिकायत करूंगा। नरेश, हम सब तालिबे इल्म हैं दोस्त, और सब लोग एक ही जमात में हैं, बेवजह फसाद मत कर, जा यहां से। अगर नहीं जाऊंगा तो तुझे गुस्सा आ जाएगा ना? हाँ यही ना? अच्छा नरेश, आखिरी मर्तबा कह रहा हूं, इसी वक्त बाहर निकल जा। हे! इसे सरेआम बेआबरू करूंगा, क्या कर लेगा बेटू? नरेश, मुझे नरेश, बख्श दे। दो आशिकों के दरमियान आ गया, पहली गलती माफ कर दी, दीपा को हाथ लगाया, दूसरी गलती समझकर माफ किया, तूने रवि को मारा, तीसरी मर्तबा भी माफ किया, लेकिन इतने सारे अफराद के दरमियान एक मासूम लड़की को बेआबरू करना चाहता है, क्या ये माफी के लायक है? हरगिज नहीं, तुझे तो मैं। दोस्तों
चलो सब लोग जमात में चलते हैं। अरे मोहन तुम क्यों नहीं आ रहे हो? ए, तू जाना। ए, तू रुक। कब ले बोतल वहां रख। अबे रखना। इस बोतल की कीमत मालूम है तुझे? अगर तू मुझे उससे मारेगा तो वो टूट जाएगी, तो उसकी कीमत कौन अदा करेगा? बोलना। इनकी तरह तुम दोनों भी यहाँ के तालिबे इल्म नहीं हो, मुझे इल्म है। मैं तुम्हें भी इनकी तरह मारूंगा तो अस्पताल के बिल की अदायगी के लिए कौन बचेगा? जाओ ले जाओ इन सबको। दबाओ जा। तुझे तुम है। Stop! Lift, please. छी छी। आजकल कोई किसी की मदद ही नहीं करता। बेवजह मैंने उसे गलत समझा, वो तो मुझे लेने आ रहा है। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। ये जीप बंद क्यों हो गई? क्यों जनाब, ये दोनों उतर क्यों गए? वो दोनों गाड़ी को धक्का देने के लिए उतर गए। स्टार्ट नहीं हो रही है क्या? ठीक है मैं धक्का देता हूँ, अभी देता हूँ जनाब, परेशान मत होइए। हाँ भाई लगाओ। लगाओ और जोर से। गाड़ी है कि खटारा है? अरे बाप रे। स्टार्ट कीजिए जनाब, स्टार्ट कीजिए, जोर से, जोर से। अरे भाग में जा ऐसी गाड़ी यार, हद है। अरे स्टार्ट कीजिए जनाब। बाप रे, क्या हुआ जनाब, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? इंजन के बिना कैसे स्टार्ट होगी? इंजन ही नहीं है तो फिर धक्का देने को क्यों कहा? मुझे तो बस घर आना था। कल यहीं पे मिलना, सही वक्त पे आ जाऊंगा। तुमने अपने घर पहुंचने के लिए मुझसे 10 किलोमीटर तक धक्का लगवाया। मोहन, ए मोहन, अपने रवि को नरेश के गुंडे उठा ले गए यार। पिछली बार भी नरेश ने इसी तरह ले जाकर उसका हाथ पैर तोड़ दिया था। मुझे बेहद खौफ हो रहा है यार। We'll be right back.
उधर देख आ गया सरफिरा। दोस्तों हम दोनों की वजह से पूरे कॉलेज की बदनामी हो जाए ये मुझे मंजूर नहीं है। जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम लोगों में से कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है? तुम लोगों से मैं फिर से कह रहा हूं यहां चाहे जो भी हो जाए कोई बीच में नहीं आएगा। मोहन वाह क्या बात है, सच में तो कमाल कर दिया यार। सच में कमाल हो गया। हिप हिप हुर्रे।
हेलो शैलजा, आओ आओ आओ, तशरीफ रखो। आदाब अंकल, सब खैरियत? सब खैरियत, शुक्रिया। ये लीजिए अंकल, 25 मुफलिस तालबा इल्म की फीस, ठीक है ना? तो ये लड़की है पैसे देने वाली। और अपना नाम जाहिर करने से मोहन, मोहन। और वैसे तुम पिछले 3 सालों से मुफलिस तलबाए इल्म की फीस जमा कर रही हो, कम से कम इस साल तो तुम्हारा नाम जाहिर कर दूं। प्लीज, नहीं अंकल। लेकिन तुमसे मदद पाने वाले तलबाए इल्म तुम्हारे मुतालिक पूछते हैं। नहीं अंकल, ये मदद मैं शोहरत पाने के लिए नहीं कर रही हूँ, अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। ए मोहन, कहीं नजर आया? नहीं, नजर आए तो मुझे बताना। ओ, मजाक कर रहे हो? नहीं तो, मेरे मुतालिक इल्म है ना तुम्हें? हाँ इल्म है। इल्म होने के बावजूद मजाक कर रहे हो? चल अंदर। शैलजा, तुम हर साल ऐसे फीस क्यों जमा करती हो? कम से कम इसकी वजह तो जान सकता हूँ। जरूर अंकल। शुक्रिया। आपको इल्म नहीं कि मैं अंदर ही अंदर अफसोस की आग में जल रही हूँ। काश इस मदद से वो आग जरा सी कम हो जाती। देखो बेटी, खैर ख्वाही जो है वो रिवायत से ही हासिल होती है। लेकिन ये खैर ख्वाही मुझे अपने खानदान से नहीं मिली, मुझे ये हासिल हुई है किसी और से। कौन है वो? मोहन यहाँ है? नहीं है। असल में मुझे खुद ही इल्म नहीं, लेकिन मुझे उनसे जो इल्हाम हासिल है उसकी वजह से मेरे ख्यालात बदल गए हैं। अच्छा। अंकल, इसके जरिए उस नामालूम शख्स का मैं हमेशा तहे दिल से एहसानमंद रहती हूँ। मुझे इजाजत दीजिए अंकल। शुक्रिया बेटी, हमेशा खुश रहो। बाय। इतनी भी क्या जल्दी में हो? टकराने के लिए मैं ही मिला था। अरे टकराने को दफा करो, कब से तलाश रहा हूँ तुम्हें। अरे मालूम है वो लड़की मिल गई। मैंने किस लड़की को तलाशने को कहा था? अरे समझो यार, जिस मददगार की तुम्हें तलाश है ना, वो एक लड़की है। वो रही। अरे आप क्या करें, वो तो गाड़ी में बैठ गई। मतलब कॉलेज में मुफलिस तलबाए इल्म की फीस एक लड़की जमा करती है। अरे जीनियस भाई, अच्छा सुराग मिला है। तुम फिर कभी उस लड़की को देखोगे तो पहचान जाओगे। बिल्कुल फिक्र मत करो मोहन, मैं लड़की को आसानी से पहचान लूंगा। बस में सफर करने का भी एक अलग ही मजा है कसम। वाकई मुझे बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, हासिल हुई? ऐसा नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? जहाँ तुमने पकड़ा था वो मेरी कमर नहीं है, या फिर उसे पकड़ने वाला हाथ तुम्हारा नहीं है? क्या ऐसा नहीं है? आखिर तुम क्या करते हो? बीकॉम पास हूँ। कहाँ जा रहे हो? इंटरव्यू देने। ओ, इंटरव्यू देने जा रहे हो? वहाँ तुमसे क्या पूछने वाले हो इस पर तवज्जो नहीं है। हाँ, तुम्हारे वालदैन ने तुमसे कितनी उम्मीदें लगा रखी है इसका जरा सा भी इल्म नहीं है। हाँ, वहाँ तुम्हारे वालदेन कम से कम ये नौकरी मेरे फर्जंद को हासिल हो ये बोलकर दुआ कर रहे होंगे, और तुम यहाँ जब वाल लड़कियों की कमर नाप रहे हो, हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? यहाँ बस में लड़कियों पर जो तवज्जो देते हो वो तवज्जो इंटरव्यू में आने वाले सवालात पर दिया करो। यहाँ लड़की को हासिल कर लेने के दीवानेपन को अपनी मंजिल हासिल करने में लगाओ। बस में तन्हा सफर करने वाली लड़कियों के जिस्म पर तवज्जो देने के बजाय अपने करियर पर तवज्जो दो। तुम्हें लेकर तुम्हारे वालदेन ने लाखों ख्वाब पाले होंगे, उन ख्वाबों को मुकम्मल करने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर है, सिर्फ तुम पर। हाँ, जिस रोज कामयाबी हासिल होगी उस रोज के बाद मुझसे भी खूबसूरत लड़कियाँ तुमसे दोस्ती करने के लिए आपस में लड़ मरेंगी, मालूम है? मुझे माफ कर दीजिए, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। आइंदा ऐसी हरकत अपनी जिंदगी में कभी नहीं करूँगा। अच्छी बात है दोस्त, कामयाबी हासिल हो। ऑल द बेस्ट। अरे
अब समझ में आ गया बेटा। मोहन प्रसाद तो दे मुझे। ए, अंदर जाकर पुजारी से ले लेना यार। क्यों, तू नहीं देगा? नहीं रवि, प्रसाद, चरणामृत और भभूत ये सब बहुत ही नायाब होता है, इन्हें बांटा अच्छा? नहीं जाता। हाँ हाँ, अंदर जाकर ले लो बच्चा। हाँ, समझ गया। यहाँ आओ, जरा आओ ना। क्या हुआ भैया? वो लड़की हाँ? है ना, वो मेरी दोस्त प्रमिला हाँ? है, उसे कहो कि मैं बुला रहा हूँ। ठीक है भैया। प्रमिला दीदी, आपको आपके दोस्त बुला रहे हैं। नहीं, मैं प्रमिला नहीं हूँ, मेरा नाम शैलजा है। अच्छा, तो इसका नाम शैलजा है। जिनेश भाई, जिनेश भाई, गेट पे कोई बेहोश हो गया। इधर आओ। मैं कोई डॉक्टर हूँ जो मुझे बता रहे हो? जाके डॉक्टर को बताओ। डॉक्टर ही तो बेहोश पड़ा है। ए, आ जाओ यार, यही हमारी सीट है। यार रोशन, हम हमेशा फिल्म देखने के लिए देर से आते हैं। ए, इधर आओ, इधर आओ, ये देखो। बड़ा सरप्राइज, यहाँ इस लड़की के साथ बैठ के मोहन साहब फिल्म देख रहे हैं। हमें बताए बगैर मोहन ने इस लड़की को पटा लिया यार। ये इस हाल तक ही पहुंचा है या आगे भी बढ़ा है? तू जान के क्या करेगा, खामोश रहना, इन लोगों को परेशान मत कर। ये लोग इस सिनेमा हॉल में नहीं है, ये कहीं दूर आसमां की सैर कर रहे हैं। आसमां में कहां यार, वहां देखो। हाँ? ए, हाँ? इसे देखो। चुप रहो, चुप रहो, वहां देखो। ए, उन लोगों को मत देख, फिल्म देख। अरे ये क्या, शैलजा मेरे पास बैठी है? अरे नहीं, मैं इसके पास बैठा हूं, बात करूं? नहीं मोहन, खुद पे काबू रख मोहन, क्या परेशानी है यार, समय ठीक नहीं है, निकल जाता हूं यहां से। हे रोशन, चल चल चल। टेंशन टेंशन टेंशन, खुद पे काबू कर मोहन, ये आवामी जगह है। हेलो, आदाब और जनाब। अरे तुम लोग कब आए? तुम लड़की के पास बैठे थे तभी हम सब आ गए थे। हे, ये वही मंदिर वाली लड़की है ना? हाँ यार। फिल्म दिखाने के लिए लाए हो? अरे नहीं यार, अभी दो मिनट कबल इल्म हुआ कि वो मेरे बगल वाली सीट पर बैठी है। जो भी हो, मुबारक हो। अभी मुबारकबाद देने लायक कुछ नहीं हुआ यार, उस लड़की के नाम के सिवा कुछ भी इल्म नहीं है। हे, हमने अंदर सब कुछ देखा है, बात बनाने की जरूरत नहीं है। अरे मैं हकीकत कह रहा हूँ भाई, पहली मरतबा मैंने उसे बस में देखा, तब उसकी नेक दिल का इल्म हुआ, दोबारा उसे मंदिर में देखा, बस उस लड़की के लिए मेरे दिल में मोहब्बत पैदा हो गई, ऐसा लगने लगा है जैसे वो सिर्फ मेरे लिए ही पैदा हुई है। hey, देख एक काम कर, वैसे भी वो तेरी बगल वाली सीट पर है, तू अपने दिल की बात उससे बोल दे। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। hey,
अगर तूने नहीं बताया तो उसे कैसे इल्म होगा? मालूम नहीं दोस्त। तू सोचता रह जाएगा और वो शादी करके चली भी जाएगी। मजाक में भी ऐसा ना कहना, ऐसा मजाक मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या हुआ अगर मुझे उसके मुतालिक कुछ भी इल्म नहीं? इतना इल्म है कि वो मेरी अमानत है, सिर्फ मेरी। अब वही मेरी जिंदगी है और मौत भी। अरे क्यों बे, बगैर इंजन की गाड़ी को 10 किलोमीटर तक धक्का लगवाया। अब मैं देता हूं तुझे किक, मामूली किक नहीं, कब्ल बाहर आ। मुंह दिखाता, फालतू में छींक आ रही है। भाई साहब, लगता है आपको कहीं मैंने देखा है। और कहां देखा था जनाब, मैंने आपकी जीप को धक्का लगाया था, भूल गए? तुम हो क्या, उस बात को याद करके रो रहे हो? उसके लिए क्यों रोऊंगा, वो कौन सी बड़ी बात है, आखिर इंसान इंसान के काम में आता है ना। अरे वाह, बहुत खूब। मैं कब का भूल गया जनाब, वो क्या है कि मैं किसी और बात के लिए मायूस। तो फिर किस बात के लिए रो रहे हो? मेरा एक दोस्त है जनाब, एक जरूरी काम का वास्ता देकर 10,000 रुपए लिए थे। मैंने बीवी के कंगन गिरवी रखकर उसे पैसे दिए थे, कल ही दे दूंगा कहा था, 4 रोज हो गए अभी तक दिया नहीं। अरे ये तो बहुत गलत बात है, बीवी का सवाल है ना। मैं मुसीबत में फंस गया जनाब, कंगन ना मिलने की वजह से मेरी बीवी नाराज होकर मायके चले गई। अपनी तकलीफ किसे सुनाऊं। अब फर्ज कीजिए कि हम दोनों दोस्त हैं। आपका नाम, नाम में क्या रखा है? तुम्हारे दोस्त का क्या नाम है? उसका नाम तो श्यामलाल है। श्यामलाल ही समझ लो। अबे श्याम के बच्चे, मुझे ये बता, तूने मुझसे कितने पैसे लिए थे? 10,000। कब लौटाना था बे? 2 रोज के बाद। मैंने तुझे वो पैसे कैसे दिए थे? अपने बीवी के कंगन गिरवी रखकर। अब ये बता, पैसे लिए कितने रोज हो गए? 4 रोज से ज्यादा हो गए। 4 रोज बाद भी पैसे नहीं लौटाए, ये जायज है नहीं, कतई जायज नहीं है। तूने मुझे समझ क्या रखा है? देखो भाई, ये गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत है। कैसी बातें कर रहा है? आप ही बताइए जरा। सुकून में आओ, सुकून में आओ। जरा मैं हूँ ना, पैसे दो, पैसे दो। अरे जनाब, आपको असलियत का बिल्कुल इल्म नहीं है। इल्म है, सारा इल्म है। पैसे अरे ऐसी बात नहीं, आप जो समझ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मेरी बात तो सुनिए आप। मैं सब समझ चुका हूँ, इससे अपनी बीवी के कंगन गिरवी रखकर तुम्हें पैसे दिए। चलो पैसे वापस। क्या कह रहे हैं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है जनाब। ज्यादा होशियार मत बनो, खामोशी से इनके पैसे बात करने दो। अरे हकीकत कुछ और है, इनसे पूछिए। आप गलत समझ रहे हैं, ये सच्चाई नहीं है। मालूम है इसने अपनी बीवी के कंगन गिरवी रखकर तुम्हें पैसे दिए। अरे असलियत क्या है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। दरअसल बात कुछ और है, जान लूं मैं। खामोशी से पैसे अदा। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे हकीकत कुछ और है, खामोशी से बात नहीं हो रही है। अरे सुनिए तो नहीं साहब, बात ये है कि अरे रुको तुम जरा, मैं बताता हूँ। अरे उसको बताने दीजिए, तुम खामोश। अरे वो बोल रहा है ना। अरे जब मैं बता रहा हूँ, कुछ भी बोला जा रहा है, पता नहीं आपको। अरे सुनिए, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने अपनी बीवी के कंगन गिरवी रखे अपनी दोस्ती का फर्ज अदा करने के लिए इन्हें पैसे दिए, लेकिन कई रोज गुजर गए कुछ भी, और ये पैसे बोल रही है। एक मिनट, ये जो कुछ बोल रहे हैं वो बातें सच नहीं है, आपको पता नहीं हकीकत है। अरे इनको हकीकत बिल्कुल पता नहीं है, हकीकत हम आपको बताते हैं। सुनिए दरअसल हुआ क्या था। क्या खुदा, मैं क्या करूं, मेरी बात भी तो आप सुन लीजिए। क्या सुनना है, तुम सोनू निगम हो या उदित नारायण हो कि तुम्हारी आवाज सुने? अरे आप क्या बोल रहे हो, तुम मेरी बात तो सुनिए। अरे तुम्हारी बात सुनकर मैं क्या करूंगा, जो पैसे लिए वो वापस करने चाहिए ना। अरे मैं वो आदमी नहीं हूँ। अरे क्या मैं वो नहीं हूँ, ये कहीं और नहीं, मेरे कॉलेज में ही काम करता है। खामोश रहो। अरे मैं कैसे पैसे दे दूं जनाब, मेरे लिए ही नहीं है। पैसे लिए बगैर उसे जाने नहीं देना। कहां से आ जाते हैं बेवकूफ। तू कहां चला, चल पैसे निकाल, पैसे निकाल। कौन सा पैसा, किस बात का पैसा? ए सुनो तो, पैसे निकाल। जब मैंने पैसे लिए नहीं उससे तो मैं पैसा क्यों दूंगा? पैसे निकाल, इससे बात करो उससे, वो झूठ बोल रहा है। बोल के उससे बात करो, जब मैंने उससे पैसे लिए नहीं। हाथ मारेगा हमसे, गलती हो गई। चप्पल लगाऊंगा कहता है, गलती हो गई। बेवकूफ कहीं का, हर किसी को अपनी तरह समझता है। बीवी का कंगन गिरवी रख के पैसे दे दिया, अब पर्व त्योहार में वो क्या पहनेगी? तुम मेरे नीचे काम करते हुए ये सोच कर ही मुझे शर्म आ रही है, दफा हो जाओ। इतने अपराध ने मेरी पिटाई कर दी, अरे कोई तो इल्म करा देता कि मेरी खता क्या थी आखिर। ये तो कुछ भी नहीं है, खेल अभी बाकी है। बगैर इंजन की गाड़ी चला रहा था ना, अब तेरे जिसमें इंजन ही नहीं रहेगा। हाय हाय। देखो सपना, मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछ रही हूँ, उसका जो भी सही जवाब दे देगा उसे मेरी तरफ से ट्रीट मिलेगी। पूछो। ये बताओ, सुहागरात में पलंग के पास दूध का ग्लास क्यों रखा जाता है?
अगर दूल्हे ने कुछ नहीं किया तो उसका सिर पर फोड़ने के लिए। और फिर हमारी हिंदी फिल्मों में हीरो हीरोइन को अंगूर या सेब ही खिलाते हुए दिखाते हैं, ऐसा क्यों होता है? नारियल या कटहल खिलाएंगे तो थोड़ी ना खा सकेगा। शैलजा, सब कहते हैं कि हम बंदरों की औलाद हैं, क्या ये हकीकत है? तुम्हारे मुतालिक मुझे इल्म नहीं, लेकिन मैं अपने वालदैन की औलाद हूँ। ठीक है, बाय बाय। सपना, मेरी एक और छोटी सी उलझन है। मैं रवि हूँ। क्या है? मैं शैलजा। लेकिन एलकेजी के जमाने से नहीं, सिर्फ आज से। ठीक है, मंजूर है। अक्सर सारा बिल मेरे नाम पे लिख देना। अबे लाला, अगर तुझे बच्चा हो जाए तो क्या रखेगा? क्या नाम रखूंगा? लल्ला, लाला के लाल लल्ला। अगर लड़की हुई तो? लल्ला की लल्ली। अच्छा, ये बता, अगर दोनों के दरमिया हुआ तो क्या रखेगा? हाथ हटा। तेरा नाम रख दूंगा। वो अपना रवि है ना? हाँ रवि। हाँ रवि। अक्सर, एक और लेके आ। हाय दोस्त। हाय, कैसा है तू? हे रवि, तू शैलजा को जानता है? कौन शैलजा? वही यार जिसे तू अभी बाइक से छोड़ के आया। मैंने बाइक से किसी को छोड़ा? ए, तुम लोगों ने किसी और को देखा होगा, गलतफहमी हुई है तुम्हें। बहाने मत बना। दफा करना यार इस बात को। ठीक है रवि, अलविदा, ख्याल रखना। ओके ओके, बाय। अलविदा। अरे अलविदा। अलविदा। अरे हे, तू अभी शैलजा को ही छोड़ के आ रहा है ना? तो फिर चंद्रमोहन के सामने इनकार क्यों किया? हे, अपने दोस्त के काम आ सकूं इसलिए ये नेक काम किया है मैंने। वो कैसे? बताता हूँ, आ जाओ। बदतमीज। अरे क्या हुआ? बाहर एक मजनू था जो मेरा दुपट्टा खींच रहा था, एक थप्पड़ लगाया, सीधा हो गया। गजब की लड़की थी यार, सोचा कि दुपट्टा खींचूंगा तो फिसल कर मेरी गोद में गिर जाएगी। तेरी वजह से कोई और लड़के को थप्पड़ पड़ गया। सही कहा। देख लिया, किसी ने तुम्हें छेड़ा ये सोचकर? जोश में आने से कबल जरा देर के लिए ठंडे दिमाग से सोच समझ लिया होता ना, तो किसी बेकसूर को जलील ना होना पड़ता। सॉरी, गलती हो गई। गलती करने के बाद एक छोटा सा लफ्ज सॉरी, बस हमारा काम खत्म। लेकिन लेकिन सामने वाले को कैसा लगा होगा, तुमने जरा भी सोचा है क्या? खैर चलो, मैं बाद में आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। सर सुनिए। Hey, अरे आप कैसी हैं? आप यहाँ कैसे? इस दुकान का मालिक मेरा दोस्त है, उसी से मिलने आया था, लेकिन वो कहीं बाहर गया। देखिए, इनकी जानिब से मैं माफी चाहती हूँ। मालूम होता है आपने वो नजारा देख लिया है, कोई बात नहीं, इन्होंने मुझे गलत समझ लिया था, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो बस काफी है। दिल से कहिए, इससे आप नाराज तो नहीं है ना? जब थप्पड़ पड़ा था तब थोड़ी देर के लिए नाराज था, लेकिन अभी ठीक हूँ। हेलो, कहाँ खो गई? वाह, आपका सब्र काबिले तारीफ है। मतलब आप भी थप्पड़ मारेंगी? छी छी, नहीं। आपकी ही तरह अगर अफराद अपने जज्बात पर काबू कर ले तो कितनी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इस तारीफ के हकदार मैं नहीं हूँ,
इसका हकदार है मेरा दोस्त चंद्रमोहन शर्मा। चंद्रमोहन शर्मा? हाँ। अरे मैं भी बहुत जज्बाती था, अगर घर में वक्त पे खाना नहीं मिलता था तो थाली उठा के फेंक देता था, लेकिन आजकल उससे दोस्ती करने के बाद अपने अंदर की कमजोरी को गंदे कपड़े की तरह निकाल के फेंक दिया। ऐसी बात है? आपको मालूम है वो हमारे कॉलेज में सबकी नजर में हीरो है। अच्छा, क्या हकीकत में वो इतना अजीम शख्स है? बताता हूँ वो कितना अजीम है। सुनिए सुनिए, अरे जनाब जरा जल्दी से इस लड़की को दाखिल कीजिए ना जनाब, उसे इसी वक्त इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करना पड़ेगा। क्या बोले? ए, तुम निहायत ही गैर जिम्मेदार हो, देख नहीं रहे हो कितना खून बह रहा है, नजर नहीं आ रहा। ए, क्या चीख क्यों रहे हो? ये अस्पताल है, खामोश रहो। ए, वहाँ पेशेंट मर रही है और तू गुटखा खाकर खामोश कह रहा है, बदतमीज। ये हादसे का मामला है, पुलिस बुलाकर एफआईआर दर्ज करवाओ, बाद में यहाँ दाखिला करवाना। एफआईआर करने तक अगर वो लड़की मर गई तो? अरे मर जाएगी तो मर जाए, यहाँ हजारों मरीज आते हैं और मरते भी हैं, एक और मर जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? ऐसी हालत में तेरी वालिदा या दुख्तर होती तब तुझे इल्म होता। चल डॉक्टर। क्या हुआ है? डॉक्टर साहब बराए मेहरबानी प्लीज आप उस लड़की को बचा लीजिए प्लीज सर, वो बेचारी मर रही है सर, प्लीज सर उसे बचाइए, कुछ कीजिए सर। ठीक है ठीक है, वैसे तुम उस लड़की के लगते क्या हो? इसी की तरह एक इंसान हूं सर, सड़क पर इसका हादसा हो गया था इसलिए उठाकर ले आया। असल में ये लड़की कौन है मुझे नहीं मालूम सर, सर अगर कोई परेशानी हुई तो मैं जवाब दे दूंगा सर। ठीक है ठीक है, हमें कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा करना ही होगा, अगर इसे कल कुछ हो जाता है तो जवाबदारी हमारी होगी। नियम और कानून इंसानों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाए हैं सर, हमसे कानून है सर, कानून से हम नहीं है सर। इसकी 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 जान बचाने से अहम कुछ नहीं है जनाब, बराए मेहरबानी इस लड़की को किसी तरह बचा लीजिए, अगर इसे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा सर। ठीक है, मैं चंद्रमोहन शर्मा वलद जयराम शर्मा मकान नंबर 64 सिविल लाइंस। ठीक है ठीक है, डिटेल को रिसेप्शन पे लिखवा दीजिए, कम ऑन जल्दी करो, पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेकर चलो। शुक्रिया। डॉक्टर रिपोर्ट्स। हेलो हेलो, अब कैसी है ये? अभी खतरे से पूरी तरह बाहर है। अरे ये लड़की जीके की बेटी है ना? मतलब सनतकार जीके साहब की बेटी। हाँ। हेलो जीके, आप फौरन मेरे अस्पताल में आ जाइए, आइए बताता हूं। क्या बात है, जल्दबाजी में बुलाया? आपकी बेटी का एक छोटा सा हादसा हो गया। क्या हादसा? आप परेशान मत होइए, अब वो खतरे से बाहर है। जनाब बेटी की शादी कर दी और मुझे इतला तक नहीं किया। कैसी शादी, किसकी शादी? अब सुजाता हामिला है। ये सब कैसे हुआ? रात को
यकायक तवाचन खो दिया था और ये हादसा हो गया। मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे कोख में जो हादसा हुआ है उसके बारे में, उस हादसे का जिम्मेदार कौन है? मेरे सवाल का जवाब तुम्हारे अश्क नहीं हो सकते। गलती हो गई। गलती सुधर सकती है, कौन है वो? उसका नाम चंद्रमोहन है, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। बस मेरे लिए इतना काफी है। आपको कौन चाहिए? यहाँ चंद्रमोहन शर्मा कौन है? वो मेरा फर्जंद है। बुलाइए जरा। उसने क्या किया इंस्पेक्टर साहब? आपके बेटे से ही मालूम होगा, बुलाइए उसे। चंद्रा? अरे चंद्रा। जी पिताजी। तुमसे मिलने इंस्पेक्टर साहब आए हैं। फरमाइए जनाब। तुम ही चंद्रमोहन शर्मा हो? जी जनाब। जीके साहब ने तुम्हें इसी वक्त हाजिर होने को कहा है। जीके साहब, ये कौन है? सुजाता के वालिद। सुजाता? अब वो कौन है? देखो चंद्रमोहन शर्मा, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करो, आगे तुम्हारा सुनहरा मुस्तकबिल है, उसे बेवजह ठोकर ना मारो। जनाब आप क्या कहना चाह रहे हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चंद्रमोहन शर्मा जीके साहब की बेटी से मोहब्बत करके उसे हामिला करके खामोशी से अस्पताल में दाखिला करवाकर तुम महफूज हो जाओगे, ये तुमने कैसे सोच लिया? हा? जनाब रात को एक लड़की का हादसा हुआ था, मैंने उसे अस्पताल ले जाकर दाखिल करवा दिया। अब इसके अलावा मुझे कुछ मालूम नहीं है जनाब। आपने बताया तब मुझे मालूम हुआ कि उसका नाम सुजाता है। जनाब अभी वो लड़की कैसी है जनाब? अभी वो ठीक है। शुक्र है। तुम्हारा उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है? नहीं जनाब। जीके साहब। हाँ बोलो, बोल रहा हूँ। वो आपके दुख्तर को पहचानने से इनकार कर रहा है, जब आपका नाम लिया तो ये आपको भी नहीं पहचानता है। उसे फौरन हमारी पहचान बताइए। सिर्फ एक मर्तबा अगर अपनी गलती कबूल करता और मेरी बेटी से शादी को राजी हो जाता तो तेरा ये हश्र नहीं होता। तूने कहा कि मुझे नहीं पहचानता, चल मान लिया। मेरी बेटी के साथ अय्याशी करके उसे पहचानने से इनकार कर रहा है, तुझे मैं नहीं बख्शूंगा। जनाब मैं अभी भी वही कह रहा हूँ, आपके दुख्तर कौन है मुझे इल्म नहीं। तू ऐसे नहीं मानेगा। इस अदालत में यह साबित हो गया है कि दोनों वालदा दुख्तर फासिका हैं। इसीलिए सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट के दफा 3 के तहत इन दोनों को 5,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा दी जाती है। सुजाता तुम्हारा क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम्हारी उस रोज हादसे में मौत हो जाती तो आंसू बहाकर आखिरी रसूमात करके भूल जाता तुम्हें। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, मगर शादी से कबल हामिला होना गुनाह है। तेरे साथ अय्याशी करके तुझे पहचानने से इनकार करने वाले गुनहगार का मैं क्या करूं? वो चंद्रमोहन। खामोश रहो, अगर उसका नाम भी लिया तो तुम्हें खत्म कर दूंगा। पिताजी मेरे पिताजी के सामने तुमने न सिर्फ मुझे पहचानने से इनकार किया बल्कि उनकी तौहीन भी की। छी, तुमसे मोहब्बत किया इस ख्याल से भी मुझे शर्मा रही है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, इसे यहाँ से फौरन बाहर निकलवाइए। इस आदमी से मोहब्बत किया, यकीन किया, इसका अच्छा सबक हासिल हो गया मुझे। सुजाता तुम इससे मोहब्बत करती हो तो फिर वो चंद्रमोहन? महेंद्र नहीं जानता नहीं जानता कहने वाले उस मासूम पर हमने बहुत जुल्म ढाया है। हकीकत में चंद्रमोहन को जरा भी इल्म नहीं, उसे रिहा कर दो। No!
गए जनाब, आइए देखिए, देखिए जनाब, मेरी माँ है ये, माँ। बचपन से मेरी माँ ने मुझे जो संस्कार सिखाया, उसी की वजह से सड़क पर खून से सनी आपकी दुख्तर की जान बचाई मैंने। और वो देखिए मेरे पिताजी, 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 मैंने आपकी दुख्तर को अस्पताल पहुंचाया। देखिए जनाब, देखिए जनाब, ये मेरी बहन है, मेरी बहन। मेरी बहन से मिले प्यार और अपनेपन की वजह से ही आपकी बेटी को मरने के लिए छोड़ने की बजाय मैंने उसकी जान बचाने की कोशिश की। जो कुछ भी मैंने किया उसके बदले में आपने मेरे साथ बहुत अच्छा किया जनाब, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। चंद्रमोहन, आए! नहीं, आप कुछ मत कहिए। अरे आप पल भर के लिए, पल भर के लिए भी सोचते और हकीकत जान लेते तो आज मैं अपने परिवार को ऐसे नहीं खो देता जनाब, और मैं यतीम होकर आपके रूबरू खड़ा नहीं होता जनाब, मैं यतीम ना होता। चले जाइए जनाब, चले जाइए। अब आप यहां एक पल भी रुके ना तो आपके टुकड़े टुकड़े करके मैं अपने खानदान वालों के साथ आपका भी क्रियाकर्म कर दूंगा। चले जाइए। अरे आपको मारने से मेरे अपने वापस नहीं आएंगे, मेरी तरह आपके बच्चे भी यतीम हो जाएंगे जनाब, इसलिए आपको जिंदा छोड़ रहा हूं। चले जाइए, निकल जाइए यहां से, गेट आउट, जाइए ना। चले जाइए, जाइए, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। उसके वालदैन और उसकी प्यारी बहन को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने वाला जालिम जब उसके रूबरू आया तो उसकी जान बख्श देने वाली इंसानियत, जज्बात और रहम को अपने दिल में रखने वाला अजीम शख्स है हमारा चंद्रमोहन शर्मा। मुझे फक्र है कि मैं उसका दोस्त हूँ। रवि, चंद्रमोहन शर्मा से मुझे एक मर्तबा मिलवा दो ना प्लीज। अरे मिलवाने की बात छोड़िए, मैं तो आपकी उससे दोस्ती करवा सकता हूँ। शुक्रिया। वो ऊपर वाला किसे, कब और क्यों मिलवाता है ये मैं नहीं जानती, लेकिन आपसे मिलवा दिया और आपके जरिए इस चंद्रमोहन शर्मा से मिलने वाली हूँ, इसलिए मैं भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। अरे आप इतना जज्बाती क्यों हो रही हैं? ये कौन सी बड़ी बात है, रोज नए नए दोस्त मिलते हैं ना, वैसे ही मिलेंगे। नहीं रवि, नहीं, हर कहानी में जैसे मोड़ होते हैं वैसे ही हर किसी की जिंदगी में भी मोड़ होते हैं। अरे बाप रे, मालूम होता है आप किसी हसीन मोड़ पे मुड़ने वाली हैं। मैं नहीं मुड़ूंगा। कल ठीक 10 बजे आप नेहरू पार्क में आ जाइएगा, वहाँ चंद्रमोहन से आपकी मुलाकात करवा दूंगा, ठीक है? ठीक है। हाँ? हेलो, अब चला जाए। Why not? अप्रैल फूल। आज 1 अप्रैल है। ये मिस्टर चंद्र नहीं, ये बुजदिल राणा है। Oh.
रवि, तुमने मुझे धोखा दिया। अरे अरे शैलजा, शैलजा रुक जाओ। शैलजा, 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 शैलजा मेरी बात तो सुनो, शैलजा मेरी बात सुनो, शैलजा रुक जाओ, शैलजा। शैलजा, शैलजा एक बार सुनो तो सही, शैलजा एक बार मेरी बात सुनो। मोहन, ओहो, मोहन, मोहन, अरे तेरी, ए, खामोशी से जेब से मोहब्बत का खत निकालो। मोहब्बत का कोई खत वत नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। मोहब्बत का खत नहीं है, मुझे अहमक समझते हो क्या? शकल से दिख रहा है तुम्हें मोहब्बत हो गई है। फिजूल की बातें मत करो यार, जाओ ना यहाँ से। मुझे जाने के लिए कह रहे हो? इधर देखो, मोहब्बत नहीं हुई है तो फूलों से दोस्ती क्यों? इन फूलों में तुम्हारी शक्ल नजर आ रही है। मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, चला जाए। चलो तो चलो। चलो रवि ने कोई जरूरी बात करने के लिए मुझे यहां बुलाया था, आखिर क्या बात हो सकती है? वो कहीं नजर भी नहीं आ रहा। अरे शैलजा, हाय रवि। हाय शैलजा। शैलजा और रवि क्यों मिल रहे हैं? खैर आने पर खुद ही बता देगा। मैं वहीं आ रहा हूं, वहीं रुक जाओ, आ जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ भाई, समय जाओ, कर रुक जाओ। तुम ठीक समय पे आ रही हो। रवि, 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 मरीज के दिल की धड़कन मुसलसल चेक करती रहना। yes, ठीक आधे घंटे के बाद ये इंजेक्शन दे देना, ठीक है, और ठीक 2:30 बजे ये दवाई दे देना जी। और क्लिनिकल लैब के इनके सारे रिपोर्ट्स भी मंगवा लेना जी डॉक्टर। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे फौरन इत्तला करना जी डॉक्टर। समझ गई ना? समझ गई। यस डॉक्टर, रवि कैसा? अभी खतरे से बाहर है, मरीज को होश आने में अभी वक्त लगेगा। वैसे आप कौन है? मैं इसकी दोस्त हूँ। मरीज के साथ कोई रहेगा तो बेहतर होगा। इसके रूममेट को बता देती हूँ, इसकी वालदैन यहाँ नहीं है। सिस्टर बराए मेहरबानी इसका ख्याल रखिएगा। जी जरूर, शुक्रिया। रवि परेशान मत कीजिए। अभी कैसा है? इसके सिर पर चोट लगी है, होश आने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप इसके दोस्त हैं? हाँ सिस्टर। मरीज के साथ कोई रहेगा तो बेहतर होगा, आप इनके घर वालों को इत्तला कर दीजिए। ठीक है। कौन चाहिए तुम्हें? रवि के सारे दोस्त कहाँ गए? रोशन की बहन की शादी में सारे लोग गांव गए हैं। वापस आने के बाद उनसे कुछ कहना है क्या? नहीं कुछ नहीं, वैसे रवि का जरा एक छोटा सा हादसा हो गया। अरे अब उसकी हालत कैसी है? अब वो ठीक है, गांधी अस्पताल में दाखिल है। एक छोटी सी गुजारिश है, अगर वो लोग आ जाएं तो उन्हें जरा कह दीजिए। हाँ, मैं कह दूंगी। ठीक है, शुक्रिया। नहीं कुछ और? शैलजा तुम यहाँ जेवर पसंद करो, वहाँ मैं साड़ी पसंद करती हूँ। कहने तुम पहनने वाली हो, तुम्हें जो चाहिए तुम खुद ही पसंद कर लो, ठीक है? ए, तुम्हारी पसंद से मैं वाकिफ हूँ, तुम जो भी पसंद करोगी वो अच्छा ही होगा, ठीक है? ओहो, क्या करूं? शैलजा, कम ऑन यार मोहन, आज किसी तरह जान पहचान होनी चाहिए। शाबाश मोहन, शाबाश शाबाश, कम ऑन। नमस्ते। अच्छी बकवास है ये। अब हाय।
अरे मोहन, मोहन तुम कहाँ चले गए थे? अरे गाजियाबाद को छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे? अरे तुम गाजियाबाद के ही हो ना भाई? अरे मेरी बात तो सुनो। मैं गाजियाबाद का नहीं हूँ, प्रयागराज का हूँ। अरे प्रयागराज हो या मुरादाबाद, लेकिन तुम हो मेरे दामाद। मेरे दुख्तर से शादी करके तुम कहाँ गायब हो गए थे? बेचारी कितना परेशान हो गई थी। तुम्हारी याद में मेरी दुख्तर सुखकर कांटा हुई जा रही है। अरे कुछ तो सोचो, रहम करो उस पर। वो तुम्हारी याद में सोना जागना खाना पीना सब भूल गई है। अरे तुम मेरे दामाद हो, क्या कर रहे हो? तुम मेरे दामाद हो इसीलिए मैं तुमसे जरा इज्जत से पेश आ रहा हूँ। अरे किसने शादी की? मैंने, छोड़ो मुझे। तेरा दामाद बोल, मैं हूँ क्या? हट, मोहन, मोहन, अरे गड़बड़ हो गई यार। अरे जीनियस भाई, इतना परेशान क्यों हो? अरे बहुत बुरा हुआ ये, कैसे हो ये? कैसे हो? बहुत बुरा हुआ, सच में बहुत बुरा। ये अनहोनी कैसे हो गई? इतना जवान लड़का था, बहुत बुरा, बहुत बुरा लग रहा है। ये कैसे क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? छोड़ने से कोई फायदा नहीं, जाने वाला कभी वापस नहीं आता। कितने सालों से तुम इसके साथ रहती थी और अमेरिका वाला मिलते ही तुमने इसकी मोहब्बत को ठोकर मार दी। मोहब्बत करके तुमने इसे दगा दिया, ये बर्दाश्त नहीं कर सका, बेचारे ने खुदकुशी कर ली। ऐसा क्यों की चंद्रकला, क्यों ऐसा की? बस करो तुम लोग। देख रहे हो ना महेश, ये लोग क्या कह रहे हैं? केजी क्लास से नहीं, एलकेजी से हम लोग साथ में पढ़कर बड़े हुए हैं, कभी कभी पल भर के लिए भी जुदा नहीं हुए। तुम्हारी जरूरत मुझे मालूम थी और मेरी जरूरत तुम्हें, लेकिन तुम मुझे पसंद करते हो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत करते हो, कभी एक मर्तबा भी तुमने मुझसे कहा नहीं? कहा तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, इससे सब वाकिफ है, सबको मालूम है, सबको खबर है, ये वो, सबको सबको मालूम था, सिर्फ मुझे मालूम नहीं था। अगर किसी से मोहब्बत करते हो तो इजहार क्यों नहीं करते? 5 साल 10 साल 25 साल तक दिल की बात दिल में दबाकर कौन रखता है, जिसमें इजहार करने की हिम्मत नहीं होती? बस वो नहीं बोलता, मोहब्बत हासिल न होने पर अपनी नफ्स काट देते हैं, रेलगाड़ी के नीचे आ जाते हैं। इसका नाम मोहब्बत नहीं है, हरगिज नहीं। अगर किसी को किसी से मोहब्बत है तो उसका इजहार करना चाहिए, इजहार करने पर ही तो मोहब्बत हकीकत होगी, वरना नहीं। अगर इजहार करने की हिम्मत नहीं है तो मोहब्बत भी मत करो, मोहब्बत करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मोहब्बत के लिए जान देने से कबल मोहब्बत करना सीख तो लो। हाँ, बजा फरमा रही है ये। इस तरह मोहब्बत को बदनाम ना करो, छिपाना नहीं चाहिए। चंद्रकला ने जो कहा वो वाजिब है, मोहब्बत को दिल में दबा कर नहीं रखना चाहिए। मैं शैलजा से मोहब्बत करता हूं, मुझे जल्दी अपनी मोहब्बत का इजहार करना होगा, नहीं तो फिर नुकसान नुकसान मेरा ही होगा। मैं हूँ मोहन, रवि का दोस्त। ओ, आइए ना। शुक्रिया। तशरीफ लाइए। तो क्या लेंगे आप, कॉफी, चाय? नहीं नहीं, कुछ नहीं, अब आपसे कुछ खास गुफ्तगु करने आया हूँ। जी फरमाइए, यहाँ कोई नहीं है। नहीं, यहाँ नहीं, कहीं बाहर चल के बात करते हैं ना, प्लीज। लीजिए, हम बाहर भी आ गए, आप तो फरमाइए। आप? हाँ हाँ, हम आगे। आप मुझे बहुत अच्छी।
शैलजा से मैंने ख्वाब में इजहार किया। माँ कहती थी कि सुबह का ख्वाब अक्सर हकीकत हो जाता है। यस शैलजा, जल्दी से मंदिर से बाहर आ जाओ, ये परेशानी बर्दाश्त नहीं हो रही है अब। ये क्या, शैलजा मेरे पास ही आ रही है? मेरे दिल की बात जान गई क्या? हाय, मैं शैलजा हूँ। हाय, मैं हूँ मोहन। आप कौन हैं मुझे इल्म नहीं है, अगर परेशानी ना हो तो बराए मेहरबानी मेरी मदद कीजिए। हाँ। कुछ गुंडे हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं। हाँ? अरे आप उन्हें मत देखिए, उन लोगों को इल्म नहीं होना चाहिए कि मैं आपसे उनके मुतालिक कह रही हूँ। उन गुंडों ने एक हफ्ते से मेरा जीना हराम कर दिया है, किसी ना किसी तरह इन लोगों से पीछा छुड़ा रही हूँ। अफराद को इकट्ठा करके पुलिस से शिकायत करके मैं इन लोगों को सबक सिखा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर हम दोनों प्यार करने वालों की मानद गुफ्तगू करेंगे तो हम दोनों प्यार करने वाले हैं ये सोचकर चले जाएंगे, बस यही चाहती हूँ। 10 मिनट हम रेस्टोरेंट में बैठकर लवर्स की मानद गुफ्तगू करेंगे मोहब्बत से। हाँ, ओके, शुक्रिया। चलिए। मैं आपसे कुछ पूछूंगी तो आप गलत तो नहीं समझेंगे ना? हरगिज नहीं। हम दोनों के गुफ्तगू का अंदाज देखकर उन गुंडों को यहाँ से भाग जाना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन कैसे? देखिए, आप और मैं पिछले 3 साल से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, ऐसा सोचिए, ठीक है? शैलजा, सोचिए कि आप आज हर हाल में अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए आप कब्ल से ही फैसला करके यहाँ तशरीफ लाए हैं। शैलजा। हाँ मोहन, आपने फैसला कर लिया है, जैसे ही हम सामने आएंगे तो दिल से बेझिझक आई लव यू शैलजा ऐसा कहना है, प्लीज। शैलजा, पहली मर्तबा जब मैंने तुम्हें देखा तब से मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। बाद में आहिस्ते आहिस्ते वो चाहत मोहब्बत बन गई। वो मोहब्बत आज ख्वाब बने हकीकत की मानिंद, या हकीकत बने ख्वाब की मानिंद, तुम्हारी शक्ल में मेरे रूबरू आ गई। तुम ख्वाब हो या हकीकत, मुझे इसका भी इल्म नहीं। अरे बोलिए ना। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, आई लव यू। मालूम होता है उनकी गालियां नहीं चलने वाली। चल, जबरदस्त। मालूम है मोहन, उन लोगों ने सोच लिया कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। आपकी अदाकारी के लिए आपको सलाम। आपको जिस बात का इल्म नहीं है वो मैं बता दूं, यही बात अगर आप किसी लड़की से कह देंगे तो बस वो चाहे जो कोई भी हो आप पर फिदा हो जाएगी, ये मैं लिख कर देती हूँ। मोहन, मालूम है आपकी आंखों में मैं आपके मासूम दिल को देख रही हूँ, इसमें जो कोई भी बसेगा वो खुश नसीब ही होगा। जो कुछ भी हुआ हमारी बेहतरी के लिए ही हुआ। उन गुंडों के पीछा करने की वजह से आज मुझे एक अच्छा दोस्त हासिल हो गया है। ठीक है मोहन, आपने जो किया सबके लिए शुक्रिया। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया जी। और कल हम यकीनन मिल रहे हैं जी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं। मटेरियल तो काफी सॉलिड है। हाँ वाकई अच्छा है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। प्लास्टिक का सामान क्या देख रहे हो? हैं? तुम? ए भाई, उस दिन तुम वहाँ से चले गए उसके बाद मेरी कितनी धुलाई हुई तुम जानते भी हो? मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी। जी जनाब, आप बजा फरमा रहे हैं। आप कहना तो चाहते थे पर पूरी बात कही नहीं पाए। ऐसी बात थी क्या? फिर उन लोगों ने मुझे मारा क्यों? मेरी वजह से। कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए मुझे। ये क्या कर रहे हो? देखो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, आखिर आदमी ही आदमी के काम आता है, ठीक कहा ना? अरे
अरे तुम रो क्यों रहे हो? अरे मैंने कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे, बच्चों की तरह रो रहे हो, क्या हुआ आखिर बताओ तो बात। मेरी वजह से मुसीबत में। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं किसी को रोता हुआ नहीं देख सकता हूँ, क्या हुआ बताओ। अरे बताओ भाई। मेरी तो इकलौती बहन है जरा, हाँ। उसे किसी से मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? वो लड़का कबले ही शादीशुदा है साहब। तो फिर 5 लाख जहेज मांग रहा है साहब। मैंने अपना घर गिरवी रखकर 5 लाख रुपए दे दिए जनाब, फूल की तरह रखूंगा कहा था। अब वो उसे मारता है पीटता है जुल्म करता है। अपना दुखड़ा मैं किसको सुनाऊं जनाब? अरे मैं हूँ ना, मुझे सुनाओ। जितने पैसे मांगे थे मैंने दिए। हाँ दिए। सारी शर्तें मंजूर की। और क्या वादा किया था? फूल की तरह रखूंगा। शादीशुदा होने के बावजूद भी शादी की? हाँ शादीशुदा होने के बावजूद भी। मारना पीटना शराफत है क्या? क्या हुआ भाई, क्या हो गया? रुक जाओ रुक जाओ, मैं बताता हूँ। तुम पहले से ही दुखी हो, तुम अपना दुख आखिर कैसे बताओगे? आप ये समझ लीजिए कि मैं इसका दोस्त हूँ, मुझे इसकी बहन से मोहब्बत थी, हम दोनों इसके पास गए, इसकी बहन ने इसे बताया कि उसे मुझसे मोहब्बत है, जबकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। ये जानकर भी बहन की खुशी का ख्याल करके इसने मुझे 5 लाख रुपए दहेज में दे दिए थे और अपनी बहन से मेरी शादी करवा दी। फिर मैंने क्या किया, मैंने वादा किया था कि उसे फूल की तरह रखूंगा, समझ रहे हो ना। उसके बाद शादी होने के दूसरे दिन ही शराब पीकर मैं उसे मारने लग गया। शराब पी के मारा? अरे मैंने उसे नहीं मारा। तुमने उसे क्या मारा? मैंने किसी को नहीं मारा भाई। अपनी बीवी को मारा या नहीं मारा? अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने नहीं मारा। खामोश। इससे दहेज के 5 लाख रुपए लिए या नहीं? लिए तो है। नहीं नहीं, नहीं मैंने नहीं लिए है ना। तो फिर मुझे क्यों मार रहे हैं? उस लड़की से मोहब्बत करता था या नहीं? मोहब्बत करता था, लेकिन मोहब्बत करके पीटता है। अरे मेरी बात तो सुनिए यार, तू जैसे जलील की क्या बात तू? अरे ये बात नहीं है। अच्छा ये बता, तू उसे फूल की मानिंद रखेगा, उसके भाई से वादा किया था या नहीं? हाँ किया था, लेकिन वादा करके धोखा देता है। ये कौन है, ये कौन है? ये मेरी बीवी है। क्या बहन, तुम्हें अक्ल नहीं है क्या बे? हाँ? देवी जैसी बीवी के होते हुए दूसरी शादी करता है? ये 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 क्या बोल रहा है तू? मैंने सुनो भाई, अरे मेरी बात सुनो इंसान, तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट गया। मेरी वजह से टूटा? क्यों बे, दूसरी शादी करने का? अरे मैंने दूसरी शादी कब की? बेवजह मुझे मारो मत। क्या है भाइयों, सिर्फ नजारे मत देखो, अरे इसे खबर दिखा दो। अरे कोई शादी नहीं करी, मुझे मार क्यों रहे हो? तुम तो अजीब समझते हो, शादीशुदा इंसान से अपनी बहन की शादी करा दी। चल चल चल। यहाँ का लीची संडे काफी मशहूर है। कुछ खास है क्या? यहाँ लीची संडे खाने वाला कबल तो अजीज दोस्त बन जाता है, बाद में मोहब्बत भी हो जाती है। अच्छा, और उसके बाद? उसके बाद शादी भी कर लेते हैं। क्या ऑर्डर करें? अभी आपने तो कहा कि लीची संडे खाने से अजीज दोस्त बन जाते हैं, तो यही ऑर्डर कर दीजिए। परसों मेरी सालगिरह के दिन भी मैं यही ऑर्डर करूंगी। मतलब आपके सालगिरह की दावत में ना जाने कितने लोग दोस्त बन जाएंगे, जाने कितने लोगों को मोहब्बत हो जाएगी, और मालूम नहीं कितने लोग शादी कर लेंगे। फिलहाल क्या हम लीची संडे खा सकते हैं? हाँ यकीनन। क्या चाहिए आपको? 6 आइसक्रीम दे दीजिए। सब आप खाएंगे क्या? मेरे लिए नहीं, प्रिंसिपल साहब की भैंस के लिए। प्रिंसिपल साहब की भैंस? वो भैंस पालते हैं क्या? पाले नहीं है, शादी करके लाए हैं। क्या बात कर रहे हैं, उन्हें कोई मोहतरमा नहीं मिली क्या? मजाक कर रहे हो? नहीं, हमदर्दी जता रहा हूँ। खैर हम दोनों भैंस छोड़कर काम की बात करते हैं। 6 आइसक्रीम पैक करवाओ। जी जनाब। 6 आइसक्रीम पैक कर दो। ये तो वो डोनेशन वाली लड़की है, यही मौका है, मोहन को बता देता हूँ लड़की यही है। हेलो, ठीक है ना? मैं हूँ जीनियस, वो शास्त्री कॉलेज का मुलाजिम। सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं मोहतरमा, आप मेरी एक मदद करेंगी? फरमाइए। कुछ नहीं, 5-10 मिनट यहीं बैठी रहेंगी? मैं आधा घंटा यहीं बैठूंगी, तो कोई परेशानी है? परेशानी? परेशानी होने वाले को मैं यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, आप यहीं बैठिए, मैं अभी हाजिर हूँ। मोहतरमा का ख्याल रखना, अभी आ रहा हूँ। वाह, ये लीजिए। मोहन, मोहन, मालूम नहीं कहाँ गया, अब कहाँ तलाशूं? कैसा है? जरूरत पे मिलता नहीं, बाद में उसे नहीं देखा कहकर रोना शुरू कर देता है। मोहन, ओफो, अभी तक बैठी है। जरा सुनिए, अगर कोई परेशानी ना हो तो 20 मिनट और इंतजार करेंगी। 30 सेकंड भी नहीं रुकूंगी। मत रुकिए, गलती मेरी है, बिला वजह किसी से वादा कर लिया, अब मालूम नहीं कहाँ चला गया, कहाँ तलाश जनाब से। आइसक्रीम पैक हो गई आपकी। आ रहा हूं। जनाब ये रहे आपके चेंज। आखिर वो गया कहाँ? बाय शैलजा। बाय मोहन, परसों तो मेरी सालगिरह पर जरूर आना। हाँ जरूर आऊंगा। ठीक है, बाय। अरे 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 जिनेश भाई, तुम
जीनियस भाई, तुम इस तरह क्यों गिर रहे हो? इस तरह का मतलब गिरने के भी अलग तरीके होते हैं क्या? तुम जीनियस हो ना? जीनियस गया तेल लेने। ये बताओ, कब से तुम्हें तलाश कर रहा हूँ, कहाँ गए थे तुम? क्यों? इसलिए कि वो फीस जमा कराने वाली लड़की यहीं बैठी थी, तुम्हें दिखाना चाह रहा था। तुम भी ना जीनियस भाई, मैं एक घंटे से यहीं पर हूँ। एक घंटे से तुम यहीं थे? लगता है मेरी नजर कमजोर हो गई ना। अब चलो यहाँ से। चलो नमस्ते सर। रेनू और रचना कैसी हैं? ठीक है। इन लोगों को मेरा प्यार देना। हाय मोहन। हाय। इतनी देर क्यों हो गई? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो शैलजा। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा आना ही मेरी खातिर सबसे बड़ा तोहफा। ये कोई मामूली तोहफा नहीं है, देखो तो। सच में? हाँ? वाह, बेहद खूबसूरत फूल हैं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। सुनो, इसे जरा रख दो। शुक्रिया मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया मोहन। मेरी सालगिरह पर इतने सारे फूल एक साथ तोहफे में मुझे हासिल होंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ये बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छे लगे। फूल से इतना गहरा रिश्ता है, मतलब किसी से मोहब्बत करते हो, है ना? हाँ करता हूँ। कौन है वो खुशनसीब लड़की? वो लड़की यहीं पर है। यहाँ कौन है बताओ? मुझसे मत शर्माओ प्लीज। आओ दिखाता हूँ। अनीता मैं अभी आती हूँ। मोहन कहाँ है वो लड़की? यहाँ तो कोई नहीं है। शैलजा मैं उस लड़की से मोहब्बत करता हूँ। मोहन? हाँ शैलजा, उसी लड़की से मुझे मोहब्बत है। मोहन एक मिनट, तुमने अपने दिल की बात खुलकर बता दी, लेकिन लेकिन मैं हर सालगिरह पर एक फैसला लेती हूँ, उसी तरह इस सालगिरह पर भी मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? कि मैं किसी से शादी करूंगी। हाँ? मुझे माफ करना मोहन, तुम अगर मुझे कबल मिले होते तो शायद मैं ये फैसला नहीं करती, लेकिन लेकिन अब अपने दिल में मैंने किसी और को जगह दे दी है। समझने की कोशिश करो, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मजबूरी समझ सकते हो। गलत मत समझना। चलो चलते हैं अभी। मोहन मैं फिर से माफी चाहती हूँ। हाय एवरीबॉडी। हाय। आने के लिए शुक्रिया। ठीक हो ना? अरे कोई बात नहीं। एंजॉय कर रही हो? वैसे दावत अच्छी है हा? और तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया। मुझे माफ करना मोहन, मुझे माफ करना मोहन। तुम अगर मुझसे कबल मिले होते तो शायद मैं ये फैसला नहीं करती, लेकिन लेकिन अब अपने दिल में मैंने किसी और को जगह दे दी है। समझने की कोशिश करो। अरे यार कम से कम मुझे तो इत्तला करते। अरे छोड़ना यार, तुम लोग वहां शादी में मशरूफ थे इसलिए मैंने परेशान नहीं किया। अच्छा ये बताओ बहन की शादी कैसी रही? बहुत अच्छे से हो गई दोस्त। अरे यार अपने जनाब मोहन कहाँ हैं? क्या बात कर रहे हो यार, हमारे लौटने के बाद कमरे में भी नहीं आए, सोचा तुम्हारे साथ होगा। हे
फौरन उसे ढूंढ के ले आओ यार, बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज। ठीक है, जाता हूँ। हम अभी आते हैं। ठीक है, ओके। तुम्हारी बहन की शादी में मोहन और रवि नहीं आए, हमें अफसोस हो रहा। हाँ यार, लेकिन हमें क्या मालूम था कि रवि के साथ ऐसा हादसा हुआ है। जनाब, आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया है। खुशी का माहौल खराब ना हो जाए, शायद इसीलिए हमें हादसे के मुतालिक नहीं बताया होगा। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मोहन गया कहाँ, समझ में नहीं आता है उसे कहाँ तलाश है। हाय। हाय शैलजा। मैं दुआ करती हूँ कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। शुक्रिया। तुम्हारी सालगिरह कैसी रही? बहुत अच्छी थी रवि। हर सालगिरह पर मैं एक नया फैसला लेती हूँ। वैसे इस सालगिरह पर मैंने क्या फैसला लिया है मालूम है? क्या लिया बताओ। तुम्हारे दोस्त चंद्रमोहन को कोई परेशानी नहीं होगी? हाँ, तो परेशानी नहीं हुई तो उनसे शादी करना चाहूंगी। हाँ, हकीकत में रवि, रवि, रवि। हाँ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं शैलजा नहीं, तुम्हारी बात सुनके मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, सच कह रहा हूँ। मेरा फैसला सुनकर तुम्हें खुशी होगी मुझे मालूम था। शैलजा, अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तुमसे दोस्ती करके कितना अच्छा काम किया। मुझे इस बात का एहसास है रवि। शैलजा जिससे शादी करने वाली है वो रवि है। रवि मुझे माफ कर दे दोस्त, हकीकत जाने बगैर मुबारक हो। वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। अरे क्या बात है, आज तुम मेरी बड़ी तारीफ कर रही हो। और नहीं तो क्या, इंसान के जज्बात को तुम कितने अच्छे से समझ लेते हो, ये तुम्हारी खासियत नहीं तो और क्या है। मोहन, तुमने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और मैंने इनकार कर दिया। तुम्हारा दिल दुखेगा, तुम परेशान हो जाओगे ऐसा लगा था, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हुआ। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैंने कहा कि तुम बेहद खास हो। अमूमन 99% लड़के लड़कियों के इनकार करते ही गुस्सा करते हैं। कुछ लोग फकीर बन जाते हैं, कोई हाथ की नस काट लेता है, कुछ तो इंतकाम लेने के लिए उस लड़की को नुकसान भी पहुंचा देते हैं, लेकिन तुम में ऐसी कोई तब्दीली नहीं आई। आंख में वही दोस्ती, वही हंसी, मुझे तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा है। ऐसे इतना नॉर्मल हो, ऐसे पेश आ रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ये कैसे मुमकिन है। चलो उस जानिब। देखो शैलजा, मैं पहली नजर में प्यार पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब तुम्हें मैंने देखा तब जाना कि मोहब्बत क्या चीज होती है। तुम हमेशा मेरी नजरों के सामने रहो, इसलिए मैंने तुम्हें शरीक हयात बनाना चाहा, इसलिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया और तुमने इनकार कर दिया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं इसलिए यह जरूरी तो नहीं कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करो। तुमने इनकार किया इसलिए मैं आखिर परेशान क्यों होऊंगा? हम दोनों के दरमियान जो एक खूबसूरत दोस्ती है उसे मैं बेवजह खत्म कर दूंगा क्या? मोहब्बत का इजहार करने से कबल हम दोनों जितने अच्छे दोस्त थे वो दोस्ती हम दोनों के दरमियान आज भी है। हम दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे, ठीक है? बहुत खूब, तुम निहायत नेक इंसान हो और इसलिए तुम मोहन हो। चलो। इस बारिश में तुम्हारे साथ भीग कर मुझे बेहद मजा आ रहा है। बरसात के मौसम में चढ़ती जवानी तू है। बदतमीज़। जल्दी है क्या? मोहन, नहीं मोहन, जाने मन। अरे चलती जवानी तेरी देख के पिघला जाए दिल मेरा। मोहन, मोहन नहीं मोहन, मुंह मत लगो, चलो चलो मोहन, पागल हो गए, नजरअंदाज करो उन्हें।
चलो चलते हैं। ये क्या मोहन, जरा सी बात के लिए इतनी बेरहमी से मार दिया? देखो, जुल्म बर्दाश्त करना जुल्म करने से ज्यादा बड़ा गुनाह है। लेकिन इतनी बड़ी सजा। प्लीज, हम चलें। तू भी चलेगा या इसे हमारे साथ भेजेगा? हाँ, कहाँ जाना है? चल। इसे छेड़ा? आइंदा इसकी जानिब नजर उठाकर देखा ना तो तुझे मैं। मोहन, मोहन छोड़ दो उसे, चलो। मोहन, मोहन मेरी बात सुनो। छोड़ दो मोहन, प्लीज। मोहन प्लीज, मोहन प्लीज हमारी बात सुन लो। नहीं छोड़ूंगा तुझे। मोहन चलो, चलो आराम से, चलो चलो समय कर। मोहन तुम ठीक हो ना? हे भगवान। Ah!
तूने इसे छेड़ा? आइंदा इस लड़की के आसपास भी नजर आया तो जान से मार दूंगा। क्या है बे? क्या है? क्या है? राय, तू यहीं पर रहना, तू यहीं रहना, आ रहा हूं मैं। क्या हा? क्या हुआ? बोलना बोलना, क्या बोल? कौन? चल भाग भाग यहां से, कौन कौन उसमें? क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए बोलना? लड़की चाहिए ना? ये ले लड़की, ले। तुझे भी चाहिए थी ना? तुझे तो मैं। और तू क्या चाहिए था? बोलना क्या चाहिए? लड़की बोलना, मारने आया था मुझे तो ले मार, मारना मार मुझे, मार। भाग यहां से, कह रहा हूं ना, भाग जा यहां से, भाग जा नहीं तो मार दूंगा, भाग भाग। तुझे तो मैं, आज के बाद अगर किसी ने इसकी जानिब नजर उठाकर भी देखा ना तो उसकी आंखें फोड़ डालूंगा, समझे? सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है शैलजा, ये किसी भी लड़की को छेड़ते ना तो मैं ऐसे ही मारता। मोहन, मैं चला जाए, चलो। अरे बाप रे, कितना मारा है कमीनों ने। एक बात जानती हो, सिर्फ मैंने ही नहीं, उन लोगों ने भी मुझे बहुत मारा। अरे बेटा मोहन, आज बहुत पिट गया, अब आराम फरमा। गुप्ता मेडिकल पता है? नहीं मालूम है। गुप्ता मेडिकल नहीं पता है? कैसे इंसान हो तुम जनाब, जरा ये पता बताइए। तुम हो क्या? नमस्ते साहब, आ गए आप? आइए, देर किस बात की है, शुरू कीजिए कोई नई तकलीफ। अबे शुरू करना, तेरी बहन पे मैंने जुल्म ढाया है, तेरे से 5 लाख रुपए दहेज में लिए, ये किया है वो किया है, हुजूम इकट्ठा करो, अफराद बुलाओ, अरे कोई नहीं आया, बुलाओ ना बुलाओ। अरे आ गए जनाब, आज ये आदमी सफारी में खूब छा रहा है। अरे उस रोज आपने दूसरी टाई लगाई हुई थी, रंग बदल लिया क्या? और आप, ये कमीज आपकी है किसी और की है? अरे आइए आइए, आप लोगों को कोई और काम तो है नहीं ना, मुझ जैसे मासूम को मिलकर धोइए, आप लोगों को अकल नहीं है, आप सब बददिमाग हो। जनाब अवामी जगह पर हंगामा मत कीजिए, पुलिस आ जाएगी तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। किसको पुलिस की धमकी दे रहा है? अरे मैं पुलिस के नाम से बिल्कुल नहीं डरता, बुलाओ पूरे पुलिस महकमे को, बुलाओ वो क्या करेंगे मैं भी देखता हूं। बुलाने की जरूरत नहीं है, एक सिपाही काफी है। सिपाही क्या बिगाड़ लेगा मेरा, एक नोटों का बंडल उसके सामने फेंकूंगा और वो मेरा गुलाम बन जाएगा। बुलाओ अबे। हाँ सिपाही से तो निपट लोगे, लेकिन दरोगा से कैसे निपटोगे? दरोगा बुलाओ, दरोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी, अबे छोड़, आईजी, किसी को भी बुलाओ, आजमाइश देता हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सुनो सुनो, तब ले ही तुम्हारे पीछे पुलिस है। क्या कर लेगा पुलिस महकमा मेरा, क्या कर लेगा बोलो, सामने आएगा फिर भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। जो बिगाड़ना बिगाड़ लो मेरा। अरे इतनी जोर से मत चलाओ, बाद में जमानत भी हासिल होगी। किसको चाहिए? अबे छोड़, पुलिस का नाम सुनते ही डर के मारे जो पैजामा गीला कर देते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ, समझ गया ना? कौन है बे? सब सुन रहा था जनाब। जनाब हमें कुछ नहीं मालूम जनाब, हम बहुत शरीफ इंसान है जनाब, पुलिस की डंडी की कसम, हम पुलिस की बहुत इज्जत करते हैं। कबल ही मेरा बीपी चढ़ा हुआ था, ऊपर से लोगों ने मुझे और चढ़ा दिया, असल में इन सब के जिम्मेदार ये लोग हैं। अरे माफ कर दीजिए साहब, बख्श दीजिए, मैं जरा गुस्से में आ गया था, इसलिए गलती हो गई जनाब, दोबारा ऐसी गलती हरगिज़ नहीं होगी। हेलो शैलजा। गुड मॉर्निंग अंकल, कैसे हैं आप? कल तुम्हें हमारे कॉलेज के फेयरवेल फंक्शन में आना पड़ेगा। कल? अब कल तो मैं कुछ नहीं सुनूंगा, कल की तुम्हारी जो भी मशरूफियत है रद्द करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी अंकल। हाँ? कर तुम्हारी इबादत करता है। वाह चंद्रमोहन शर्मा,
मेरी इबादत करते हैं? हाँ बिल्कुल सही सुना, वो जागते सोते हर वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता है। वाकई? लेकिन उन्होंने मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। रवि तुम तो हमें बता सकते थे ना। अगर पहले बता देते तो तुम्हारी बेसब्री और बेताबी हमें देखना मुमकिन नहीं होता, इसीलिए नहीं बताया। ओके बास। अच्छा बताओ वो मेरे मुतालिक और क्या क्या कह रहे थे? मुझसे सुनने से बेहतर होगा कि तुम उसी की जुबानी सुन लो। रवि मुझे आज ही चंद्रमोहन शर्मा से मिलना है, उनसे आज ही मुलाकात करनी है, आज नहीं बल्कि अभी अभी फौरन। पर आए मेहरबानी मुझे उनके पास ले चलो ना। वो होता तो आज उसे अपने साथ लेकर के आता, 3 रोज से गायब है और वो कहाँ है हम सबको मालूम नहीं है, हम उसे तलाश रहे हैं। हे, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, अपने परिवार वालों की बरसी होने की वजह से मुमकिन है कि वो प्रयागराज चला गया हो। बेवकूफ कमीना, 3 रोज से तलाश रहे हैं उसे और ये बात तुमने अभी बताई? भाई मुझे अभी ख्याल आया। रुको 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 रवि, तुम लोग क्या करने वाले हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अगले शनिवार को रेलवे स्टेशन पर फूलों के गुलदस्ते के साथ इंतजार करूंगी और ये यकीन है। हमें क्या करना होगा? तुम दोनों अभी प्रयागराज जाकर चंद्रमोहन शर्मा को ले आओ। पर कल कॉलेज का फेयरवेल फंक्शन है, हम कैसे जाएंगे? खामोश हो जाओ बेवकूफ फेंका, कल कॉलेज में होने वाला है दोस्तों को जोड़ने वाला जश्न और हम जा रहे हैं 2 आशिकों को मिलाने के लिए। हे देखो ना, शैलजा की आंखों में चंद्रमोहन की तस्वीर है, मेरे साथ चलो उसके आंख में चंद्रमोहन की तस्वीर देखते हैं। बाय शैलजा। बाय। तुम्हारी याद आएगी यार। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी श्वेता। अलविदा। रोशन, गोपी कहाँ हो यार तुम लोग? आज कॉलेज का आखिरी दिन है, सोचा था कि हम लोग मिलेंगे लेकिन तुम लोगों ने मुझे मायूस कर दिया। हाय हाय बबलू, हाय हाय। अरे ए, क्या हो गया यारो, सब लोग ऐसे खामोश क्यों हो? हमेशा हम हंसते खेलते रहते हैं, अब जुदा होते वक्त हम क्या बात करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो हंसी मजाक, वो शरारतें, ये लम्हे दोबारा हमारी जिंदगी में आएंगे? अरे यार बिछड़ने का ये मतलब तो नहीं होता ना कि हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। ये तो ठीक बोला मोहन, फिर मिलने से सोचने से बिछड़ने का गम बहुत हद तक कम हो जाता है। अरे मोहन वो नरेश गेट पे ही खड़ा है। बाहर खड़ा है, अंदर क्यों नहीं आ रहा? लगता है उसे शर्म आ रही है। अरे चल। हाँ ए नरेश तू अंदर क्यों नहीं आया? ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ था ना? हम अपनी शक्ल तुम्हें कैसे दिखाएं ये हम ही जानते हैं। यार नरेश मारने वाले ये हाथ गले लगाना भी जानते हैं, गाली देने वाली जुबान दुआ देना भी जानती है। आखिरकार हम इंसान ही तो है ना, हम में गुस्सा गिले शिकवे ये तो मामूली बात है दोस्त, तभी तो हम लोग इंसान है। आ जाना यार चल। तुम अलग इंसान हो दोस्त। अरे आ जाना दोस्त। तू भी किस बात को लेकर बैठ गया था? वो देख मोहन अपनी सीएल वाली। हाय मोहन। हाय अर्चना। हाय। अरे ओ सीएल वाली मोहतरमा, इतने साल मोहन सीएल बोलकर तुम हमारी जान लेती रही थी, कम से कम आप तो बता दो कि ये सीएल क्या है, नहीं तो मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। सच कहूं आजकल लड़के लड़कियों को ऐसे देखते हैं जैसे उनके नजरों में लेंस लगे हुए हैं, और बहुत लड़के तो नजरों से ही बलात्कार कर देते हैं, लेकिन मोहन की आंखों में हमने शराफत इज्जत और दोस्ती देखी है, इसलिए मोहन का नाम हमने कॉम्प्लीमेंट्री लुक्स रखा हुआ है, यानी मोहन सीएल। ओ अच्छा, सीएल मतलब कॉम्प्लीमेंट्री लुक। वाह वाह, इल्म होने से बेहतर था कि मैं भड़कती रूह बनकर ही घूमता रहता। हे सर जी, आगे की ताली में तवज्जो देना ठीक है? सर प्लीज। जनाब इतने साल मैंने आपको बहुत परेशान किया, अब दिल से सारे गिले शिकवे मिटाकर हमें माफ कर दीजिए। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग तो मेरे बच्चों की तरह हो, मैं तो ऐसे ही डांटता रहता हूँ। तुम लोग शोर शराबा करते हो, मजाक करते हो, लेकिन मैं अंदर से खुश रहता हूँ। तुम्हारी उम्र में मैं भी ऐसा ही था। ऑटोग्राफ सर। हाँ शुक्रिया जनाब। कम ऑन। हाँ ये लो, ऑल द बेस्ट। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया। अरे जीनियस भाई तुम ऐसे क्यों खड़े हो? तुम तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हो, तो आज क्या हो गया? मोहन सोच रहा हूँ कि नौकरी छोड़ दूँ। वो क्यों जीनियस भाई? हाँ मोहन, हर साल कॉलेज में नए लड़कों का आना
और 4 साल तक उनके साथ हंसते खेलते रहना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। मगर उसके बाद जब वो चले जाते हैं तो दिल में बहुत दर्द होता है। इसीलिए यहाँ नौकरी करने के बजाय किसी सरकारी दफ्तर में मुलाजमत करना बेहतर है। जीनियस भाई। मोहन, ये क्या बच्चों की तरह बात करते रहते हो यार? तुम लोगों से मैं कभी जुदा नहीं होना चाहता। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस खास मौके पर क्या मैं आप लोगों को एक मशविरा दे सकता हूँ? कामयाबी के साथ आप लोगों की तालीम मुकम्मल हुई है, मुझे खुशी है। आप लोग एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, इसके लिए दिल में तकलीफ भी है। ऐसे कश्मकश के जज्बात से गुजरने वाला अजीब सा पल है ये। क्या आपको भी यही महसूस हो रहा है? Yes, sir! जिस दरवाजे से आप लोग दाखिल हुए थे उसी दरवाजे से रुखसत होने का वक्त है ये। जिस हाथ से आदाब अर्ज किया था उसी हाथ से अलविदा करने का वक्त है ये। कोई बात नहीं है, ये आम बात है। कई सारे नालायक बच्चों को कामयाब बनाने के लिए इस कॉलेज का प्रिंसिपल होने के नाते मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। इस गेट से बाहर जाने वाले आप लोग सीधे बिल गेट्स के पास पहुंच जाएंगे। ओहो, कितना खुशनुमा पल होगा वो। यहां से बाहर जाने के बाद आप लोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपना रिसर्च जारी रखेंगे। ओ, तो वही मेरी हकीकी जीत होगी। आप लोगों का प्रिंसिपल होने के नाते मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे मुल्क में चारों जानिब गंदी सियासत है। जैसे माफिया लोग अपने इलाके बांटते हैं, जैसे जेब कतरे अपना रास्ता बांट लेते हैं, वैसे ही सियासतदान अपने मुल्क को लूटने के लिए बांट रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ पैदा होकर, बड़े होकर, तालीम हासिल कर अपनी कौसे कुजसी रंगीन जिंदगी यहाँ के रिश्वत खोर मुआसरे में दबकर बेरंग हो जाए, ये मैं नहीं चाहता। भारत में पैदा होने वाले दानिश्वर हैं आप लोग। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत में पैदा होने वाले दानिश्वर हैं आप लोग। गौर करना इस बात पर। अमेरिका के रॉकेट से स्पेस पर जाने वाली खातून सुनीता विलियम्स एक भारतीय हैं। गुजरात की रहने वाली हैं। माइक्रोबायोलॉजी में आसमां को छूने वाले साइंसदान डॉक्टर राव हैदराबाद के हैं। हाँ, तो आप लोग भी अपनी जिंदगी में उन लोगों से ऊंची जगह हासिल क्यों नहीं कर सकते, यही मेरा मशविरा है। अगर आप लोगों को मेरी बात में दम लग रहा है तो चलिए अपना वीजा अमेरिका के लिए बनवा लीजिए। वो इसलिए क्योंकि आप लोग अक्लमंद हैं, बेवकूफ नहीं हैं। इसलिए आप लोग अपने पासपोर्ट तैयार करवा लीजिए। नहीं सर। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ। खवातीनों हजरात, आप मुझे चाहते हैं? हाँ। आप अपने वालदेन को चाहते हैं? यकीनन। तो फिर प्यारे दोस्तों, अपने वालदेन और बहन की बस्ती के लिए प्रयागराज जा रहा हूँ। सोचा तुम लोगों को अपने साथ ले चलूँ, लेकिन तुम लोग यहाँ पर नहीं हो। तुम्हारा प्यारा दोस्त चंद्र मोहन। सुनिए, दिल्ली एक्सप्रेस। मेरी अम्मा, मुझे बख्श दो, ट्रेन को बख्श दो। अभी तक 50 मरतबा पूछ चुकी हो, आएगी। अरे यकीन, अरे आएगी। ऐसी बात नहीं, योगी जी की कसम आएगी। मैं ये जानना चाहती थी कि आज से मैं काम नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं। हाय शैलजा, तुम यहाँ कैसे, कहाँ जा रहे हो? प्रयागराज जा रहा हूँ।
सच बताओ मोहन, मेरी वजह से तुम शहर छोड़कर जा रहे हो ना? तुम्हें कितनी मर्तबा समझाऊं, वो बात तो मैं कब का भूल चुका हूँ। उस बात पर कोई शिकवा नहीं है मुझे। अच्छा अब ये बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो आ रहे हैं। वो मतलब? वही जिनसे। ओ ओ अच्छा, वो इसी वजह से तुम्हारा चेहरा इतना खिला है। क्या मोहन, तुम अपना सफर रद्द नहीं कर सकते? तुम भी उनसे मिल लेते। अरे मैं उससे कबले से जानता हूँ। वाह, कब, कैसे? अभी अभी। कहाँ? तुम्हारी बेचैनी में, बेताबी में, बेसब्री में वो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। धत, क्या मोहन। ओके अलविदा शैलजा। ठीक है, अलविदा। बाय मोहन, सफर अच्छा हो। शुक्रिया, अलविदा। ख्याल रखना। हाय 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 शैलजा। हे, क्या हुआ? हाँ, किसे छोड़ने आई हो? हे, वो देख मोहन, मोहन, हे मोहन, मोहन रुक जाओ, मोहन, हे चंद्रमोहन, चंद्रा, मोहन सुन, चंद्रा, मोहन, वो चंद्रमोहन यही है? और नहीं तो क्या? वही है यार, वही है चंद्रमोहन, मोहन रुक जाओ, चल, चंद्रमोहन शर्मा यही है क्या? हाँ हाँ यही है, हाँ वही है, चल चल जल्दी, हे मोहन, चंद्रमोहन, मोहन, चंद्रमोहन, चंद्रमोहन, हे मोहन, चंद्रा, हे चंद्रा, मोहन, हे मोहन, रुक जा, रुक जा, क्या बात है दोस्तों? हे मत जा, रुक जा, रुक जा, उतर जा, चंद्रा, उतर जा यार, अरे मैं आ जाऊंगा ना, एक हफ्ते में लौट आऊंगा। अरे रुक जा ना, चंद्रा नीचे उतर जा। अरे अरे रवि, एक हफ्ते में आ जाऊंगा दोस्त, आ जाऊंगा मैं। अरे उतर जा यार। अरे यार ऐसी भी क्या बात है, क्या हुआ तुम लोगों को? अरे पहले उतरना यार। ए रवि देख दोस्त, मुझे जाने दे। तुम दोनों को देखकर मैं गुस्से या हसद से नहीं जा रहा हूँ दोस्त। हे, तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को मैं सच्चे दिल से दुआ दे रहा हूँ। माफ कर दे यार, मेरी वजह से गलतफहमी हुई है। हे, शैलजा जिसे चाहती है, प्यार करती है, मोहब्बत करती है, दिल में बसा के जिसकी इबादत करती है, वो कोई और नहीं है, अबे चंद्रमोहन शर्मा है मेरा। हाँ यार, मतलब तूने जो कह रहा है वो हकीकत है? हाँ यार, वो तुमसे प्यार करती है। ये सही है।